दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हमारे महान एथलीट मिल्खा सिंह के बारे में 5 ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हां, फैक्ट नंबर पहला, 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन का हुआ समय जब मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता अपने परिवार को खो दिया था, तब उनकी आयु केवल 12 साल की ही थी। दूसरी, जब वे पाकिस्तानी पंजाब में पढ़ते थे तो हर रोज मिल्खा सिंह 10 किलोमीटर पैदल अपने गांव से स्कूल का सफर तय किया करते थे। तीसरी, वे इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे लेकिन उनके हाथ 3 बार असफलता लगी, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और चौथी बार वे सफल हुए। फिर 1951 में जब सिकंदराबाद के EME सेंटर में वे शामिल हुए तो उन्हें वहीं अपने टैलेंट के बारे में पता चला और वहीं से धावक के रूप में उन्हें कैरियर की शुरुआत हुई। चौथी, 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने 400 मीटर रेस लगभग 46 सेकंड में पूरी करते हुए गोल्ड मेडल जीता। उस समय आज़ाद भारत में कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाले वे पहले भारतीय थे। और पांचवी, 1958 के एशियाई खेलों में भारी सफलता हासिल करने के बाद उन्हें आर्मी में जूनियर कमीशन का पद मिला। तो दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि एक दिन जरूर मिलती है। धन्यवाद।